हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। हम लौट आए अभी नई वीडियो के साथ। एक बहुत बड़ा अपडेट हमें मिला है। एशिया कप की स्क्वाड जो है वो अभी जस्ट अनाउंस हुई है, सो हम ये इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत में लेके आ रहे हैं। डिस्कस करेंगे कि कौन कौन अनाउंस हुआ है, कौन रह रहा है, क्या पोजीशन रहेगी प्लेयर्स की, एंड एट द एंड हमारे हिसाब से कौन सी बेस्ट 11 होनी चाहिए जो कि उतरनी चाहिए ग्राउंड पे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार आपको स्क्वाड पूरी बता देते हैं कि 18 मेंबर की स्क्वाड, वो जो वैसे तो 17 मेंबर है प्लस एक बैकअप है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वापस आ गए हैं यहाँ पे, केएल राहुल भी वापस आ गए हैं यहाँ पे, और ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, पूरी चीजें आपको बताएंगे। सूर्य कुमार यादव यहाँ पे आपको दिखेंगे डेफिनेटली खेलते हुए। तिलक वर्मा यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज एक एंट्री देखने को मिल रही है। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल खेल रहे हैं यहाँ पे एज अ स्पिनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा की अगेन वही बात कि उनकी भी एक साल बाद वापसी हो रही है ऐसी एक ODI सेटअप में, और डायरेक्टली एशिया कप के लिए हो गए हैं। और आपके 18वें प्लेयर होंगे बैकअप प्लेयर संजू सैमसन, इनका भी इंक्लूजन या फिर इनका बैकअप में क्यों नाम डाला है उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो ऑब्वियसली एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था रोहित शर्मा और अजीत अगरवाल की तरफ से कि इस पूरी स्क्वाड अनाउंसमेंट के बारे में उन्होंने बात करी है प्रेस के सामने, और वहां पर उन्होंने ये सब चीजें हर एक प्लेयर के बारे में और हर एक सिचुएशन के बारे में जो जो उनसे प्रेस ने पूछा है उनको बताया गया है या फिर उनसे पूछा गया है, उन्होंने उसका जवाब दिया गया है। तो उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। काफी सारे इंक्लूजन्स हैं, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इज बैक फिट। जसप्रीत बुमराह तो आप जानते थे आयरलैंड के साथ T20 सीरीज में काफी अच्छा भी कर रहे हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा का भी सेम, वो भी काफी ज्यादा बेहतर है उस हिसाब से वहां पर खेल रहे हैं। यहाँ पे श्रेयस अय्यर पूरी तरह 100% डिक्लेयर जो है फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं BCCI की तरफ से, NCA की तरफ से, और केएल राहुल भी फिट डिक्लेयर कर दिए गए थे, लेकिन उनको जैसा कि अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनको जो है एक दूसरा निगल हो गया है जिसकी वजह से वो शायद एशिया कप के एक या दो मैच ना खेले। उनके बैकअप में संजू सैमसन को रखा गया है। आपको पता है ईशान किशन ऑलरेडी एज अ विकेट कीपर एक ऑलरेडी ऑप्शन है विकेट कीपिंग के लिए, बट एक और बैकअप के लिए ऑप्शन संजू सैमसन वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। केएल राहुल सेकेंड या थर्ड गेम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, अभी डेफिनेटली वो मैच फिट मैं बोलूं तो मैच फिट नहीं है। नहीं। सबसे बड़ा कंसर्न, एक तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो अभी तक आपको ट्रेंडिंग में लग रही होगी, वो शुभमन गिल की है कि वो 6 मिनट में कैसा उनका सिस्टम है कि ये लोग एक बार बदल गया है बदल गया, क्योंकि हमने अजीत अगरवाल को बोलते हुए ये सुना कि शुभमन गिल इज नॉट इन द स्क्वाड, एग्जैक्टली है ना, फिर उसके बाद हमने 6 मिनट बाद जो इमेज आई जो कि ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने बोला था कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, एंड देन उसके बाद फिर से वो 8 मिनट बाद एक और स्क्वाड आती है जिसमें वो होते हैं, सरप्राइजिंगली होते हैं, पता नहीं कैसे हुआ है ये, पर वो बीच में डिस्कस भी कर रहे थे कि ब्रॉडकास्टर्स की प्रॉब्लम थी या फिर पीछे से BCCI की तरफ से कुछ ऐसा, अजीत अगरकर सेलेक्टर्स की तरफ से कुछ ऐसा आया था कि बिल्कुल ही चेंज हो गया या फिर गलती से चला गया, तो वो तो किसी ना किसी की तो नर्व पिक हुई है, एग्जैक्टली लगता है कि मुंबई से ही हुई है। तो ये चीजें हैं सारी, बट अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर्स रह गए हैं। मेरे हिसाब से चहल जो है उनको सबसे ज्यादा मिस किया जाएगा इसमें, क्योंकि स्पिनिंग पिच है, श्रीलंका में हमारे सारे मैचेस होंगे एशिया कप के, तो वहां पे क्योंकि अब हम सिर्फ 3 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं स्क्वाड में, जो कि कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड अक्षर पटेल। और आप ऑब्वियसली एक जोकिंग मैनर में प्रेस ने क्या हमारे कैप्टन से पूछा था कि जैसे 2011 की टीम में आपके पास स्पिनर्स ऑलराउंडर स्पिनर्स थे युवराज सिंह, सुरेश रैना के जैसे, जो बीच में जो मिडिल ऑर्डर में होके भी आपको बॉलिंग का ऑप्शन देते थे, यहाँ पे कोई वैसा कोई क्यों नहीं है। तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई शर्मा और कोहली कर लेंगे बॉलिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हमारे को लग रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे ये लोग भी बॉलिंग करने आए, या फिर तिलक वर्मा जैसे आपने T20 सीरीज में देखा था कि उन्होंने बॉलिंग कराई थी,
वहां पे वो यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हमारे को देखने को मिल सकती है। एक चलो बात की बात है, बट ये सीरीज मैच नहीं है ना, इतना ज्यादा उन्हें करना चाहिए और उनको प्री प्लान होकर चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा है वो कर लेंगे, एक तो सबसे पहले वो खुद को बहुत ज्यादा हो गई है इस साल, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन देखी है। ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने भी कहा अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे पूरे थ्रू आउट द ईयर, अवेलेबिलिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज थे। अब वर्ल्ड कप, आपको वर्ल्ड कप की स्क्वाड ये नहीं है। रोहित शर्मा ने और अजीत अगरकर ने मेंशन किया है कि 5 सितंबर तक जो कि डेडलाइन दी हुई है वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस करने के लिए, तब तक देखेंगे। उससे पहले एशिया कप भी चल रहा होगा, तो किस हिसाब से आपके पास अभी 15 दिन कुछ हैं आपको टीम बना बताने के लिए, तो आप उसमें काफी सारी चीजें देख सकते हैं। किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं है, अजीत अगरकर ने डेफिनेटली ये कहा है, और किसी के लिए भी ऐसा बोला है कि काफी कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं वो देखेंगे। और यूजुअली क्या होता है कि जो 18 मेंबर्स की स्क्वाड है, अजीत अगरकर ने बोला कि इन्हीं 18 में से आपके वर्ल्ड कप के 15 सिलेक्ट होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि शायद बाहर से भी प्लेयर आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। नो डोर्स आर क्लोज्ड, उन्होंने डेफिनेटली ये चीज प्रेस के सामने बोली थी। और काफी सारी बातें हुई हैं, युजवेंद्र चहल एक काफी ज्यादा बड़ा टॉकिंग पॉइंट है 100% कि उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, जबकि एशिया कप आपका श्रीलंका जैसी पिचेस पे और आपका जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है, तो वहां पे एक ऐसा स्पिनर जो कि एक विकेट टेकर है, जरूर हम मानते हैं कि वो रन्स अच्छे खासे खा लेते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास, मैं बोलूंगा अक्षर पटेल, इवन एक हद तक मैं बोलूंगा रविंद्र जडेजा तो आपकी टीम में 100% है, लेकिन अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा एक दूसरे बहुत ही लाइक टू लाइक वाली बात हो जाती है, बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, तो वहां पे युजवेंद्र चहल आप डेफिनेटली यूज कर सकते थे। बीच में रविचंद्रन अश्विन की भी बात हो रही थी कि अश्विन को आप देख सकते हैं, इवन रोहित शर्मा ने भी बोल दिया कि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को भी हम देख रहे थे कि किस हिसाब से वो करेंगे, किस हिसाब से वो ओडीआई सेटअप में हमारे आ सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए भी, एशिया कप के लिए भी, लेकिन अभी फिलहाल ये 18 मेंबर आप यही देखेंगे और इसी के थ्रू वर्ल्ड कप में भी आप इसी के अराउंड जाएंगे। मेन कंसर्न आर्यन मेरा ये था कि जैसे ये लोग अब क्या कहते हैं शिखर धवन को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि शिखर धवन को एक मौका मिलना चाहिए था या तो उसको, क्योंकि क्लियरली मेंशन कर दिया गया है एक प्रेस में पूछा गया था कि शिखर धवन के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो अजीत अगरकर ने बोला वो उन्होंने दिसंबर से नहीं खेला है और काफी ज्यादा बेहतर प्लेयर्स थे ऑब्वियसली इंडियन टीम के लिए, लेकिन उन्होंने तब से नहीं खेला है और हमारे पास क्वालिटी टीम ऑप्शन है ओपनिंग के लिए, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, उसके बाद ईशान किशन हो गए, तो वहां पे उनको नहीं लगता कि शिखर धवन को यहाँ पे एक इस सेटअप में एंट्री मिलेगी। उन्होंने डायरेक्टली प्रेस के सामने ये चीज बोल दी है, विदाउट एनी डाउट उन्होंने ये चीज वहां पे रख दी थी। बट पर्सनली मेरे व्यू जो है, मैं ये मानता हूँ शिखर धवन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द ओपनिंग ऑफ एन ओडीआई मैच, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, गेम को समझते हैं एंड उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, हमने बाकी मैचेस में भी देखा है कि वो कैरी ऑन करके ले जाते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ओपनर जो रहती है वो गिल और किशन से थोड़ी ज्यादा निभा सकते हैं 100%। तो आईसीसी हमारे को पता ही है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे अच्छे प्लेयर हैं, वो टेम्परामेंट भी रखते हैं कि बड़े मैचेस में वो उस हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। आपके सेमीफाइनल्स, आपके फाइनल जहाँ पे आप शायद थोड़ा कंफर्टेबली पहुंच जाए, शायद ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आज तो इंडियन टीम का कोई भरोसा होता नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी कंसिस्टेंटली वही है। आप एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि कॉन्फ्रेंस में उठ के आया है वो ये है कि रोहित शर्मा ने ये बोला है कि यार हमारे को फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए हमारी स्क्वाड में, यानी कि उनका कहना ये था जब उनसे पूछा गया कि आपने बोला कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल सकता है, ऐसे नहीं चलेगा, अगर आपको जीतना है तो आपके पास एक 11 और उस 11 का पूरा ऑर्डर आपके पास आपके दिमाग में होना चाहिए, इसी ऑर्डर पे जाएंगे आप, एक तो ऊपर नीचे कर सकते हो सिचुएशंस के हिसाब से, बट यही बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारा मतलब ये है कि अगर कोई प्लेयर 5 से 6 पे खेल रहा है तो शायद उसको ऊपर 4 या 5 पे आके, अगर कोई जैसे अक्षर पटेल की उन्होंने बात करी कि स्पिनर्स हैं, अगर बीच में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स बॉलिंग कराते हैं तो अक्षर पटेल जैसा प्लेयर वहां पे जाके उनको मार सकता है, अच्छा खेल सकता है, तो वैसी फ्लेक्सिबिलिटी हम चाहेंगे। ऐसा नहीं चाहेंगे कि यार ओपनर है तो वो 6th-7th पे आ रहे हैं, या फिर जो 6th-7th पे जाते हैं जैसे कि हार्दिक पांड्या खेलते हैं वो ओपन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो ओवरऑल एक एनालिसिस आप पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से ऐसा निकल के आ रहा है, क्रक्स क्या है इस पूरे सिलेक्शन का कि यार आप अगर आपको चार आप बेसिकली
एक इतने सालों से यही बोल रहे हो ना कि नंबर चार नहीं है हमारे पास, नंबर चार नहीं है हमारे पास, नंबर चार नहीं है हमारे पास, तो अभी भी आप यही बोल रहे हो कि नंबर चार तो कोई भी कर सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, पांच या छह पे, पांच से छह पे कोई भी आके नंबर चार पे खेल सकता है, तो बेसिकली नंबर चार तो आपने अभी भी सिलेक्ट नहीं किया है, श्रेयस अय्यर तो ऐसे ही आ गए हैं, आपने खिलाना तो सिचुएशन के हिसाब से अक्षर पटेल को है चार पे, तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपके पास एक ऑर्डर है कि नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हाँ जरूर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक थ्रू उस पे आउट रिलाई नहीं कर सकते यार। रिलाय नहीं करना चाहिए आपको, आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसे कि 2011 के वर्ल्ड कप में था। बिल्कुल। सो एट द एंड हम लोग आर्यन, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके हिसाब से इन 17 में से बेस्ट 11 या फिर क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कौन कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में आने चाहिए, एक बार वो डिस्कस कर लेते देखिए हैं। जो ये 18 प्लेयर हैं हाँ उसके हिसाब से तो हम जो टीम बना सकते हैं, श्रेयस अय्यर जैसा हमने सुना है और सिलेक्टर ने बोला भी है 100% फिट डिक्लेयर किए गए हैं, तो वहां पे जो आपकी 11 हमारे हिसाब से होते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हाँ मैं भी देख लेता हूँ रोहित पहले। शर्मा शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली 3 नंबर पे, श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे, 5वें नंबर पे आपको दिखेंगे वहां पे केएल राहुल तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो उसकी जगह ईशान किशन आपको 5वें नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? केएल राहुल अभी स्टार्टिंग के एक दो मैचेस में तो उन्होंने जैसा बोला कि अभी थोड़ा निगल चल रहा है, तो स्टार्टिंग की कुछ वरना तो ऑब्वियसली 5th नंबर पे आपको केएल राहुल ही नजर खेलते हुए नजर पर आते मुझे हैं। लगता है कि क्या कहते हैं वो किशन को नहीं सैमसन को अगर भेजेंगे हम नहीं, मेरे तो। हिसाब से ईशान किशन ऑब्वियसली, क्योंकि किशन जो सैमसन तो बैकअप में है, तो अच्छा ईशान किशन हाँ ऊपर रहेंगे ठीक है ठीक वहां पे। तो 6 नंबर पे आपके आ गए हार्दिक पांड्या, 7वें नंबर पे आ गए आपके रविंद्र जडेजा, 8, 9, 10 और 11 जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव एंड मोहम्मद शमी, ये हो गया आपकी 11। अच्छी टीम है, बहुत ही ज्यादा बेहतर एक प्लेइंग 11 निकल के आ रही है 100%। हाँ। एंड मेरे हिसाब से भी देखिए ना कि हमारे पास बॉलिंग जो है वो सॉलिड बॉलिंग है इस समय, बुमराह है, सिराज है, शमी है, बट शाहरुख हमारे ठाकुर भी है स्क्वाड में, वो भी हाँ एक अच्छा ऑप्शन निकलेगा आपका, एक दो मैचेस खेलेंगे भी मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन निकल के आ लॉर्ड जाता है शार्दुल वो बहुत 100% रिलायबल है। कभी भी, चाहे वो उनकी एक उनके चीजों को देखने का, चीजों को करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन वो किसी बिल्कुल। ना किसी तरीके से आपको रिजल्ट ला के दे देते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन टीम के लिए। सो ये थी हमारी स्क्वाड एंड हमारी प्लेइंग 11, हमारे हिसाब से कैसे परफॉर्म करना चाहिए टीम इंडिया को एंड क्या चीजें मिस हो रही हैं सेलेक्टर्स से, एंड ये भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। ऐसी ही अपडेट्स हम और लाते रहेंगे। प्लीज लीग 11 को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हम और कैसी वीडियोस आपके पास ला सकते हैं या कैसी इंफॉर्मेशन आप और देखना चाहेंगे एग्जैक्टली। रिगार्डिंग टू क्रिकेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।